बड़का बड़का आदमी पीता है, कमजोर लोग ना पिएगा। बड़का बड़का आदमी पीता है दारू खाली बड़की हामर वाले, अब महुआ वाला कौन पिएगा सर लका भाई। वेतन मिलना है प्रत्येक माह के 25वीं तारीख को, वह वेतन मिलता है दूसरे माह की 10वीं तारीख को। और पूछते हैं तो कड़ा भाषा में जवाब मिलता है। दारू का जो सरकार के द्वारा हम लोगों को जो घसीटा जो जा रहा है, क्या घसीटा जा रहा है? घसीटा यही जा रहा है कि दारू का, मान लीजिए दारू जो है आप लोग जो है उसको बंद करवाएंगे। हम लोग बंद क्या करवाएंगे, हम लोग तो सूचना अगले प्रभारी को देते हैं, अध्यक्ष को, और प्रभारी द्वारा जो है उनसे पैसा तो पहले लेकर के बैठ जाते हैं प्रभारी। अच्छा, तो दारू बेचते हैं? जो दारू बेचते हैं सप्लायर हैं, जो डीलर हैं उनसे तो कमीशन लेते हैं थानाध्यक्ष जो है। हाँ, उसके बाद हम लोगों के साथ जो है प्रभारी का कहना है कि तुम लोग जो है अगर मान ली तुम्हारे गांव में दारू मिल जाता है तो तुम लोगों को निलंबित कर दिया जाए। एसपी साहब ना जांच करते हैं ना कुछ करते हैं, सीधा जो है निलंबित कर देते हैं। साहब के बारे में जो हम लोगों को घसीटते हैं उसको जो है वापस ले जाए। वही चीज़ जो है आप प्रभारी के ऊपर जो है, थाना अध्यक्ष के ऊपर जो है वही आरोप वही जो है लगाइए, ताकि आपका शराबबंदी जो है जल्द से जल्द जो है बंद हो जाए। शराबबंदी सफल सही रहे, सही योजना है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री का बिल्कुल सही योजना है शराबबंदी, बिल्कुल सही योजना है। लेकिन सरकार का कर्मचारी जो है, बढ़िया कर्मचारी सब जो है, जो वरिष्ठ अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी सब जो है, वो लोग कहते हैं शराबबंदी को जो है सही ढंग से बंद नहीं कर पा रहे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मेरा नाम उदीप तारेन है। गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम मौजूद हैं, और गर्दनी बाग धरना स्थल को उस जगह हम कंसीडर करते हैं जहां सबसे ज़्यादा खबरें मिलती हैं। यहां पर कभी भी धरना प्रदर्शन होता है तो जो पुलिस बल है, जो हवलदार होते हैं, चौकीदार होते हैं, वो यहां आते हैं देख रेख करने के लिए। लेकिन अभी धरना पर यहां जो तमाम लोग बैठे हुए आपको दिख रहे हैं, जो दृश्य में जो लोग दिख रहे हैं, ये खुद चौकीदार हैं, बिहार के अलग अलग थानों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचे हैं। अब इनकी शिकायत क्या है ये हम जानेंगे, लेकिन जो बातचीत में मुझे समझ में आई कि शराबबंदी जो कि सबसे महत्वाकांक्षी योजना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उसी से ये प्रताड़ित हैं। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने, सरकार को बताने ये पहुंचे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल। हम इनसे बात करेंगे, सभी लोगों से बात करेंगे। अलग अलग जिलों का नाम मैं सुन रहा हूँ, भागलपुर से लेकर रोहतास बक्सर तक लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बात करते हैं कि आखिरकार शराबबंदी से क्या समस्या है। सुरा दिन से करते इन्हीं से बात हो रही थी। क्या नाम हुआ सर आपका? अजय झा। कहाँ से हैं? खरीक थाना। खरीक थाना, खरीक थाना। कौन जिला? नौगछिया पुलिस जिला, भागलपुर जिला। भागलपुर, नौगछिया। क्या यहाँ इतने संख्या में बैठे हुए हैं आप लोग, क्या मामला? मामला है क्या कि दारू के बारे में जो है, दारू का जो सरकार के द्वारा हम लोगों को जो घसीटा जा रहा है, क्या घसीटा जा रहा है? घसीटा यही जा रहा है कि दारू का, मान लीजिए दारू जो है आप लोग जो है उसको बंद करवाइए। हम लोग बंद क्या करवाएंगे, हम लोग तो सूचना अगले प्रभारी को देते हैं, अध्यक्ष को, और प्रभारी द्वारा जो है उनसे पैसा तो पहले लेकर के बैठ जाते हैं प्रभारी। अच्छा, तो दारू बेचते हैं? जो दारू बेचते हैं सप्लायर हैं, जो डीलर हैं उनसे तो कमीशन लेते हैं थानाध्यक्ष जो है। हाँ, उसके बाद हम लोगों के साथ जो है प्रभारी का कहना है कि तुम लोग जो है अगर मान ली तुम्हारे गांव में दारू मिल जाता है तो तुम लोगों को निलंबित कर दिया जाए। अच्छा, और वो अनुशंसा करके भेज देते हैं सीधा एसपी के पास। एसपी साहब ना जांच करते हैं ना कुछ करते हैं, सीधा जो है निलंबित कर देते हैं। अंतिम गाज आप ही लोग पर गिर जाए? हाँ, बिना कुछ दोष के, बिना कोई दोष के जो है हम लोग चौकीदार दफादार के ऊपर जो है गाज गिर जाते हैं। सभी लोग, सभी जिला से आए हुए हैं लोग। हाँ, क्या मांग है इसमें? तो मुख्यमंत्री से मांग है, किससे मांग है आप लोग? हम लोग का मुख्यमंत्री से मांग है क्या कि आप लोग इस शराब के बारे में जो हम लोगों को घसीटते हैं उसको जो है वापस ले जाए। वही चीज़ जो है आप प्रभारी के ऊपर जो है, थाना अध्यक्ष के ऊपर जो है वही आरोप वही जो है लगाइए, ताकि आपका शराबबंदी जो है जल्द से जल्द जो है बंद हो जाए। शराबबंदी सफल सही रहे, सही योजना है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री का बिल्कुल सही योजना है शराबबंदी, बिल्कुल सही योजना है। लेकिन सरकार का कर्मचारी जो है, बढ़िया कर्मचारी सब जो है, जो वरिष्ठ अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी सब जो है, वो लोग कहते हैं शराबबंदी को जो है सही ढंग से बंद नहीं कर पा रहे। उन्हीं के वजह से शराब आज बिहार में बिक रहा है।
नहीं तो बंद हो जाता, नहीं तो बंद हो जाता। अच्छा, आपको लगता है जो सचिव लोग बैठे हुए हैं, चाहे आप डीजीपी की बात करें, बड़े अधिकारियों की बात करें, वो चाह लेंगे तो बंद हो जाएगा? एकदम बंद हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा। मतलब वही नहीं चाह रहे हैं, वही नहीं चाह रहे हैं। घसीटा आप लोग जा रहे हैं? हाँ, घसीटे हम लोग जा रहे हैं, यही मामला है। देखिए बड़े जी, हाँ बताइए। कि इलेक्शन में जो है मेरा चौकीदार दफादार जो है ड्यूटी किया, आज तक उनको जो है कोई भत्ता नहीं मिला। अच्छा, ये भी एक मामला है, ये भी एक मामला है। हम लोग को समय पे वर्दी वगैरह का जो है पैसा जो है मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों का वर्दी का आवंटन भी जाता है तो वहाँ से वापस हो जाता है। बहुत कष्ट में आप? हम लोग काफ़ी कष्ट में है, कि कष्ट में। परिवार ठीक से चलता है सैलरी से? परिवार ठीक से कैसे चलेगा? मान लीजिए कि आज एक आदमी कमाने वाला, 10 आदमी खाने वाला, और उनके साथ जो है थानेदार जो है उनको निलंबित कर दिया जाए, तो उनके परिवार का स्थिति क्या हो? जितेंद्र राम मांझी को जानते हैं? एकदम जानते हैं। उनका एक बयान आया था कि नीतीश कुमार जहां रहते हैं ना मुख्यमंत्री, वो जहां रहते हैं उसके 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में अगर छापेमारी की जाए तो जितने बड़े अधिकारी, नेता, विधायक, मंत्री हैं, सबके यहाँ शराब मिल जाएगा। सही बात है? बिल्कुल सही है, सही बात, एकदम मिल जाएगा। सभी लोग पी रहे हैं, बड़का बड़का आदमी पीता है, कमजोर लोग ना पिएगा। बड़का बड़का आदमी पीता है दारू खाली, बल्कि हामल वाले अब महुआ वाला कौन पिएगा? सर लका भाई मरने का। आप कहाँ से हैं? नगोछिया से। अभी नगोछिया से? हाँ, नगोछिया थाना से। अभी आए हैं प्रदर्शन करने? जी हाँ, प्रदर्शन में आए हैं। हमारी मांग जो बहुत कमी है वो हम साहब को बताने के लिए आए हैं। और देखिए, हम लोग 4-5 इलेक्शन करा चुके मुखिया का, 1 रुपया हमको मिला नहीं है। ऐसा क्यों? क्या सभी के लिए पैसा है? हमारे लिए 14,000 का पैसा नहीं है मुख्य यात्रा भत्ता के लिए? शराबबंदी का अंतिम कायदा आप लोग पे गिरता है? हाँ, गार्ड चौकीदारे पे बेच दिया है, दारू नहीं पकड़ेगा तो उन लोगों को सस्पेंड किया जाएगा। ऐसे करके खाली चौकीदारे का वेतन ले रहा है। हो भी गया। और अभी भी हमारे थाने में जो है, जबकि मुख्यालय से क्लियर आदेश है कि चौकीदार दफादार से ना तो मुंशी का काम लिया जाए, ना तो कहते उससे ड्राइवरी का काम लिया जाए, ना कहते उससे वायरलेस का काम लिया जाए, लिया जा रहा है। लेकिन अभी भी लिया जा रहा है, इसलिए लिया जा रहा है उसी के थ्रू जो है दारू वाले जो है, मतलब थानेदार जो है, कमीशन जो है, उसी के थ्रू वसूलवाते हैं और वही उनका मालिक हो जाता है। पक्का है अभी कमीशन वसूला जा रहा है? एकदम वसूला जा रहा है। कैसे बंदी होगा बताइए? मुख्यमंत्री इधर पूरा चिल्लाते रहते हैं शराबबंदी, थाने में जब थानेदार जैसे 2-4 पदाधिकारी को जो है ना, इसी में अगर उनको निलंबित किया जाता है तो बंद होगा। उसके ऊपर जैसे प्रभाव पड़ेगा बड़े पदाधिकारी के ऊपर कि शराबबंदी बंद होगा। देखिए, हम शुरू से ये बात सुनते आए हैं कि करप्शन जो है वो टॉप से बॉटम होता है, मतलब जो ऊपर से करप्शन शुरू होता है और वही नीचे तक पहुंचता है। जो बड़े अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीजीपी से लेकर डीआईजी और एसपी तक की बात करें, तो ये जो हवलदार चौकीदार हैं, इनकी क्या हैसियत? ना के बराबर इन्हें वेतन मिलता है और उस स्थिति में ये लोग यहाँ पहुँचे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, क्या है? जरा दिखाई नहीं है क्या? अच्छा, नहीं इन्हीं से पूछिएगा, इन्हीं का है। अच्छा, आपका है ये? जी जी। क्या है ये जरा बताइए? ये सर यही है। आप कौन थाना से है? हम है दरभंगा जिला बहरी थाना से। अच्छा, बताइए। इसमें फैक्ट बात यही है सर, जो यह चीज थाना से हम लोगों को आदेश मिला, जो शराब माफिया जिसके महाल में बेचता है वह प्रोफार्मा विपत्र पत्र पर भर के दो। अच्छा। हम लोग उसका नाम, पिता का नाम, ग्राम दे दिया, पूरा एड्रेस, विदेशी दारू, कच्चा दारू जो बेचता है। इसके बाद जब देते हैं थानेदार को, जो श्रीमान इसको रिसीव कर लिया जाए, कल हमको गला कटेगा तो हम साक्ष्य दिखाएंगे, तो उस समय वह रिसीव नहीं करते हैं, कहते हैं नहीं यार दे दो ना, हम नहीं करेंगे रिसीव, हो गया हम कमजोर हैं। हमारा दरभंगा जिला में श्रीमान 12-13 चौकीदार निलंबन है। अच्छा, यही शराबे के मामला में? जी जी। और 4 चौकीदार डिस्चार्ज है, जो एक डिस्चार्ज सामने में उपस्थित है, बहरी थाना का। अच्छा। दरभंगा जिला का। कौन थाना से है? बहरी थाना। तो श्रीमान हम लोग यही कहते हैं, जो सरकार का जो गाइडलाइन है श्रीमान, उस अनुकूल हम लोगों से काम लिया जाए। चौकीदार बीच में नहीं है, निलंबन डिस्चार्ज हुआ तो तू बगल में ओकरा देखो, तू नहीं देखा ठीक है तो एकर वेतन काट दो, लाल कलम मार दो, वेतन काट दो।
साले को आप ही लोग के साथ होता है कि जो बड़े अधिकारी हैं, दरोगा हैं, थानाध्यक्ष हैं, केवल ओनली चौकीदार के साथ सर होता है। वेतन मिलना है प्रत्येक माह के 25वीं तारीख को, वह वेतन मिलता है दूसरे माह की 10वीं तारीख को, और पूछते हैं तो कड़ा भाषा में जवाब मिलता है। तो हम डर के मारे क्या करें, वर्दी का पैसा पीछे साल वाला भी बकाया है बहरी थाना में, इसका खोज कोई अधिकारी को नहीं है, लेकिन साले तू काम करो वर्दी लगा कर। देखिए ये बिहार का गृह विभाग है, गृह विभाग मतलब पुलिस बल है, चौकीदार है, जिनके कंधों पर ये दावेदारी होती है कि बिहार को ये सुरक्षा देंगे, बिहारियों को सुरक्षा देंगे, 13 करोड़ आवाम को सुरक्षा देंगे, और कितने प्रताड़ित हैं, 25 को इनका वेतन बनना है, बनता है अगले महीने की 10 तारीख को, और उसके बाद शराबबंदी में जब ये डिटेल्स देते हैं शराब बेचने वाले का उसका पूरा पता, तो उसे खारिज कर दिया जाता है। 12 चौकीदार निलंबित हैं इनके थाने से, कितना गंभीर मामला है। नीतीश कुमार इस वीडियो को अगर देखे, बिहार के कोई भी मंत्री अगर इस वीडियो को देखे, तो इन तमाम चौकीदार को आप देखिए, आए हुए हैं इस चतुर्थी शर्त में अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, इस बात को लेकर कि शराबबंदी में इनका क्या जुर्म है। जब बड़े अधिकारी, आला अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी, और इनके थाना की बात करें, थाना अध्यक्ष, वही लोग जब करप्शन में संलिप्त हैं, जिनके पास पैसा पहुंच रहा है शराब का, तो इनके निलंबन से शराबबंदी कहां से सफल होगा। नीतीश कुमार कार्यक्रम करते रहते हैं, 7 घंटे का मैराथन बैठक था 16 नवंबर को शराबबंदी को लेकर, तो शराबबंदी कहां से सफल होगा। देखिए यहां भी दो चौकीदार लोग हैं, इनसे भी हम जरा बात कर ही लेते हैं। अब तो उम्र ज़्यादा लग रहा है, कितना उम्र है आपका? 58 वर्ष। अब छोड़ दीजिए, हाँ खाली बात करिए, कहाँ से हैं आप? जी नवादा मुफस्सिल थाना। मुफस्सिल थाना नवादा, क्या मांग लेकर आए हैं आप? मांग तो है कि जो हम लोग के बारे में DGP साहब जो हैं, कि दो ही गो आदमी उनको जना रहे हैं, एक चौकीदार एक थाना प्रभारी, बाकी लोग कोई नहीं जना रहे हैं। इन्हीं को लेके हम लोग आए हुए हैं कि इस पर को संशोधन करके हटाया जाए DGP साहब, जबकि DGP साहब खुद जान रहे हैं उनके घर में कोई अगर पार्टी या पौआ होता होगा तो जरूर पहले ये चीज मांग होता है गाँव में। अच्छा, लेकिन वो अपने घर को नहीं देख रहे हैं और सीधा चौकीदार और थाने प्रभारी पर ही बात गिरा रहे हैं, जबकि हम लोग सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी और चौकीदार तुरंत छापामारी वहाँ करते हैं, या घर पर मिले या ना मिले, लेकिन घर पर उसको हड़बड़ा के चलाते हैं, जो भी बर्तन बासन इन्हें उन्हें छीट भी करके गाड़ी ग्लौज करके चलाते हैं। दूसरी बात हम लोग को है सर, देखिए कि सबसे बढ़िया को कोर्ट होता है, कोर्ट होता है, जब कोई भी चीज़ का कानून बनता है तो कोर्ट मानता है, और हम लोग जो भी चीज़ का या तो पीने वाला को भेज देते हैं या बेचने वाला जाता है, हम लोग तो सिर्फ भेजना काम है, लेकिन वहाँ तुरंत खड़ी खड़ी बेल हो जाता है। तो कोई सजा जब आप सजा बनाए हैं कि 7 साल 6 महीना 3 महीना का, तो वो सजा वहाँ मान्यता नहीं है, तो हम लोग इस शराब बंद होगा कैसे? अच्छा ये हम ही लोग दुइयों को कर्मचारी नहीं है, या सिपाही पुलिस एक कर्मचारी नहीं है, इसके साथ पूरा कर्मचारी है, आधा से बेसी तो सब पीने वाला मिलता है। अगर 100 में 90 आदमी गांव में पीने वाला है और ये हम लोग नहीं पीने वाला, जाते हैं पकड़ने के लिए तो गाड़ी गलौज मारपीट तो सुनिए रहे हैं कि रोज थाना प्रभारी को गाड़ी मार रहा है तो उन्हें हो रहा है, तो हम लोग को मरवाने तो एक बार हम लोग को मरवा देने का काम करें, ऐसे कत्ल पब्लिक से काल मार करवाते हैं, यही पब्लिक से भी ये लोग पिट जाते हैं जब जाते हैं शराब की छापेमारी करने, जो शराब के तस्कर हैं, डीलर हैं, बेचने वाले हैं, और उसके बाद जो इनके शीर्ष अधिकारी हैं, जो SHO हैं, थाना अध्यक्ष हैं, या फिर कोई भी बड़ा अधिकारी, वो भी इन्हें ही प्रताड़ित करता है। तो बिहार सरकार जरा देख ले ये दृश्य एक बार ध्यान से, कि यही वो लोग हैं जिनके ऊपर सुरक्षा का दावेदारी है बिहार का, जिनके ऊपर पब्लिक भी अत्याचार करती है, जिनके ऊपर इनके जो बड़े अधिकारी हैं वो भी अत्याचार करते हैं, और ये प्रोटेस्ट में पहुंचे हुए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर, बेबस हैं, मजबूर हैं, और इस ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि जो बिहार के मुखिया हैं वो इन्हें देखेंगे और जो बड़े अधिकारी हैं उन पर एक्शन लेंगे, ताकि इनका जो जीवन है वो थोड़ा सुलभ हो सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आपकी जो प्रतिक्रिया है वो आप हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।